नमस्कार, मैं उस्मान अंसारी और आप देख रहे हैं यूपी लाइव 100 न्यूज। शुरुआत करते हैं इस वक्त की छोटी बड़ी खबरों से। खबर है यूपी के जनपद चंदौली से, जहां पुलिस और बदमाश के बीच में मुठभेड़ होने के बाद 25,000 का इनामी बदमाश हनीफ उर्फ सुल्तान घायल हो गया। घायलों को बदमाश को उपचार हेतु पुलिस टीम जिला संयुक्त चिकित्सालय चकिया ले जाया गया, जहां चिकित्सालय के द्वारा भर्ती उपचार किया जा रहा है। पुलिस ने हनीफ के पास 315 बोर तमंचा व एक जिंदा कारतूस भी बरामद किया। पूरा मामला चकिया क्षेत्र के चंद्रिका पहाड़ी बेलवार समीप का है, जहां बिहार के निवासी हनीफ उर्फ सुल्तान चंद्रका पहाड़ी के समीप आया हुआ था। इस दौरान पुलिस के मुखबिर के द्वारा सूचना मिली कि दर्जनों मामले में वंचित चल रहे थे युवक चंद्रका पहाड़ी के समीप छिपा हुआ है। सूचना के आधार पर पुलिस चारों तरफ घेराबंदी कर बदमाश के सिलेंडर करने के लिए कहा, तो बदमाश पुलिस बल पर फायरिंग करते हुए भागने के लगे। पुलिस के द्वारा जवाबी फायरिंग के दौरान हनीफ उर्फ सुल्तान के पैर में गोली लगने से घायल हो गए। घायलों को बदमाश के उपचार हेतु पुलिस टीम ने जिला चिकित्सालय चकिया ले जाएगा, जहां चिकित्सालय द्वारा भर्ती उपचार किया जा रहा है। आपको बताते चले कि युवक पर लूट हत्या का प्रयास सहित दर्जनों मामले वंचित चल रहे थे। फिलहाल पुलिस युवक के पूछताछ कर रही, वही संभावना विकसित किया जा रहा है कि अति शीघ्र इसके साथ भी पुलिस की चंगुल में होंगे। आज तड़के दबिश के दौरान यादव की स्पेशल रिपोर्ट के दौरान इसने फायर करके भागा, इसके पैर में गोली लगी। इसे डीएससी में एडमिट कराया गया, इलाज हो रहा है। इससे 315 बोर का एक कट्टा, दो जिंदा कारतूस, एक खोखा बरामद।